दलितों की राजधानी कही जाने वाली आगरा में बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा। आगरा के कोठी मीना बाजार में जमकर बरसी मायावती। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार को जानकर कोसा। भाजपा और कांग्रेस की सरकारें जनता विरोधी। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर। 10 साल में महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड। युवाओं को नहीं मिला रोजगार। दलितों के आरक्षण को भाजपा और कांग्रेस खत्म करने की कर रही कोशिश। केंद्र सरकार गुणवत्ताहीन राशन बांटकर जता रही एहसान। सरकार अपने घर से नहीं लाई पैसा, जनता के टैक्स से आए धन से बांटा जा रहा राशन। भाजपा नेता कंधे पर थैला टांग कर भाजपा नेता जनता से राशन को मोदी का बता रहे कर्ज। सपा नेता, भाजपा और कांग्रेस ने प्रमोशन में दलितों के आरक्षण को नहीं होने दिया लागू। भाजपा और कांग्रेस ने सदन में प्रमोशन के आरक्षण का फाड़ दिया था बिल। जैसे बसपा सरकार ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का दिया नारा, वही केंद्र में सरकार बनने पर होगा लागू। हमने दलितों के साथ अति पिछड़ा और सामान्य को भी बसपा से दिया टिकट। बसपा अपने दम पर लोकसभा चुनाव में जीत का करेगी दर्ज। खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब यहाँ असेंबली का चुनाव हुआ तो असेंबली के चुनाव में भी और अब लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश के अंदर तो जो सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं, जिनको इन्होंने फ्री में थोड़ा राशन आदि दिया है, खाद्य सामग्री आदि दी है, तो उसके एवज में तो ये इन्होंने असेंबली के चुनाव में भी लोगों को गुमराह करने के लिए और अब लोकसभा चुनाव में भी तो बीजेपी और आरएसएस के लोग तो अपने कंधे पे थैला टांग कर तो गांव-गांव में घूम रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि देखो श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है तो आपके ऊपर मोदी जी का बहुत कर्ज है तो आप कर्ज के रूप में तो आप ये जो कर्ज है तो इस चुनाव में आपको अदा करना है, वोट के रूप में बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है। लेकिन मैं अपने ऐसे सभी लोगों को, गरीब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में केंद्र की जो भाजपा सरकार ने जो गरीब लोगों को थोड़ा जो फ्री में राशन आदि दिया है तो ये कोई बीजेपी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, बल्कि आप लोग जो यूपी गवर्नमेंट को या केंद्र की सरकार को जो भी टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से, टैक्स तो आपका है, टैक्स जनता देती है, तो जो पैसा आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं उस पैसे से ये राशन दिया जा रहा है, इसमें बीजेपी का कोई एहसान नहीं है और ना ही श्री नरेंद्र मोदी जी का इनका कोई एहसान नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। आप लोगों का ये पैसा है, आप लोगों ने टैक्स के रूप में इसको दिया, तो इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमें आज माननीय भारतीय जनता पार्टी के लिए हुकूमत करने आ रही है आगरा की जनता से, जो कि दलितों की राजधानी है, वहाँ के आप प्रत्याशी को जिताओ और बेंजी का हाथ मजबूत करो। ये रैली नहीं, रेला है, बेंजी का मेला है। देखो लाखों तादाद में आज भीड़ आई हुई है, बेंजी को सुनने वाले आए हैं, बेंजी को जानने वाले आए हैं। आज कोई विकास दिखाई नहीं देता है, आज बता दिया है पार्टी के लोगों को कि ये होती है मोदी जी आए तो है, पीछे खाली रहेंगे, आज ये पैर रखने की जगह नहीं है। इसके बाद रैली मैं दोबारा कहता हूँ, रैली नहीं, रेला है, बहन जी का मेला है, बहुजनों का मेला है। जनता के अंदर इतना उत्साह है कि आप मुझे मत देखिए, आती जा रही है भीड़, लोग आते जा रहे हैं और बहन जी के मेले से जुड़ते जा रहे हैं। दोनों पार्टियां SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ हैं, ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं SC ST OBC के वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही
इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेतु आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा ही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर आए दिन मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वीकर सेक्शन के लोग हैं या माइनॉरिटी हैं, अपर कास्ट समाज के लोग हैं, ये सभी लोग हमें काफी दुखी व परेशान नजर आते हैं। हर मामले में वे हर स्तर पर हमें काफी दुखी व परेशान नजर आते हैं। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में बीजेपी, आप लोगों को आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनके सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उससे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपने